अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइट फैमिली, आज हम बहुत प्यारा जो है वो नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले उसके लिए आप लोगों को मैं कागज़ पे जो है उस नेक की कटिंग बताऊंगी। पहले 3 इंच जो है उसको फोल्ड करके हमें गले की चौड़ाई चाहिए और 4.5 इंच जो है वो हमें नेक की गहराई चाहिए। निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में हल्का हल्का हाथ रख के जो है वो गुलाई के रूप उसको हमने निशान लगा लेना, मिला लेना दोनों निशानों को। अब तो इसकी कटिंग कर देनी है और इसी पत्रन के मुताबिक जो है वह हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। अब एक और पीस चाहिए हमें, इसकी चौड़ाई 9 इंच और इसकी लंबाई जो है वो भी मुझे 9 इंच ही चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर देंगे, इतनी ही हमने बुकरम का पीस जो है वो लेना है 9 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई में। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इसको दोबारा जो है वो इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इसको भी जो है वो हल्का हल्का घोल जो है वो यहाँ से शेप देनी है हमने। और यहाँ से जो है करीबन 1.25 इंच जो है वो हमें चाहिए। और अगर तो आप लोगों ने नीचे टिशू लगाना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप लोग इसकी चौड़ाई जो है वो कम कर दें, 1/2 इंच कर लें। इस तरीके से दोनों जो है वो कट हो जाएंगे और हमारी नेक जो है वो कट चुकी है। बुकरम को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया, अब ग्लू स्टिक लेके हमने साइडों से जो है इसका, इससे ये होगा कि आप लोग जो हों कि सिलाई जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नीचे से जो है वो तरपाई हो जाती है। तो सारे के सारे जो हैं उनको लगा के सेम इसी तरीके से हम लगाने के बाद इस तरीके से तीनों पीसेस को जो है हमने आयरन कर लेना, इससे इतने अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। तो दरमियान कर लेंगे इसका भी और इसका भी जो है वो हमने दरमियान कर लेना। अब शर्ट के ऊपर इसका दरमियान करके हमने नेक की सिलाई लगानी, साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे और धागा कट करके एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर देनी है। छोटे छोटे से कट लगा के इसको फोल्ड करके नीचे की जानब हमने रख लेना। अब इसके ऊपर लेस जो है उसका इस्तेमाल करना है और किनारे किनारे पे रख के सफाई के साथ लेस को हमने लगा लेना है। यहाँ से लेस को कट करेंगे अब इसके ऊपर एक और हमने लेस के ऊपर सिलाई चलानी है ताकि हमारी लेस जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। धागा कट करेंगे। अब ये जो हमने पीसेस कट किए हैं इनको नेक के साइड पे रख के हमने इस तरीके से लगाना है कि हमारी लेस का जस्ट मार्जिन जो है वो रहे, ज़्यादा जो है वो यहाँ पे हमने खला नहीं छोड़ना क्योंकि आगे जो है हमारे कंधे की कटाई है, अगर हम इस तरफ को करेंगे तो ये ज़्यादा निकल आएगा बाहर। यहाँ पे रख के इसको सेट कर लेना है दोनों साइडों पर और अब हमने इसकी सिलाई चला ली। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। सिलाई लगा ली है हमने, सिलाई लगा के धागा कट करेंगे और कपड़े की हमने अंदर से कटिंग कर देनी है। ये काफ़ी वायरल जो है वो नेक डिज़ाइन गया है तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के लिए जो है वह इसको आसान तरीके के साथ आप लोगों को बिगिनर्स के लिए जो है उनको बनाना सिखाऊं। तो इसको अंदर की जानब करेंगे और आयरन कर लेंगे दोनों साइडों से। ये देखिए आयरन हो गया और नीचे की जानब जो है वो तीनों को हमने नेक को और ये जो हमने पत्ते की शेप काटी है इन दोनों को हमने तरपाई कर लिया। अब इसको डबल जो है उसको शर्ट के पीस को फोल्ड कर लेना है और यहाँ तक हमारी जो है बॉडी है 15
तो यहाँ तक हमने रख के निशान जो है वो साइड पे लगा लेना है। अब उस निशान को उठाएंगे और इस लीफ पत्ते की निशान को उठाएंगे और यहाँ से हमने निशान जो है वो लगा लेना हल्का हल्का चाक के साथ। ये हमारा निशान जो है वो लग गया। यहाँ से हल्का हल्का जो है वो हम इसको गोल करके निशान लगा लेंगे। अब ये हमने गरारी को लेना है और इसको थोड़ा सा दबा के इसी निशान के ऊपर चलाएंगे। इस तरीके से निशान जो है हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर आप लोगों के पास ये मौजूद नहीं है तो इसका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको शर्ट को अंदर की जाने फोल्ड करेंगे और चाक जो है उसको ज़रा थोड़ा गहरा करके निशान लगा लेंगे तो ये दूसरी तरफ जो है निशान आप लोगों का चला जाएगा। अब उसी निशान के ऊपर रख के उसको निशान दोनों को जो है वो डार्क कर लिया है। पास जो है वो टिशू है, टिशू के चार पीसेज हैं क्योंकि मैं सिंगल टिशू जो है वो नहीं लगाऊंगी नीचे। सिंगल टिशू लगाएंगे तो अक्सर जो है वो टिशू ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको डबल टिशू जो है वो हमने लगाना है नीचे। इसको ग्लू स्टिक के साथ हमने जोड़ देना है अच्छे तरीके से। ऊपर से करेंगे आयरन। आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा जो है उसकी पहले ही हमने सिलाई लगाने से इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से हमने कंधे वाली साइड से लेस जो है उसको लगाना शुरू करना है। किनारे किनारे पे रख के अंदर की साइड मशीन को उसको लाते जाना है। आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगे और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लैस के ऊपर सिलाई चलाने के बाद इसको हमने सिलाई को डबल करना है। इस तरीके से चलाने से लैस जो है हमारी अच्छे तरीके से बैठ जाती है। धागा पक्का करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरा चैनल नूर क्रिएशंस। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।